चिड़िया पर आधारित आपको एक कविता सुना रहा हूँ, तो पहली लाइन मैं बोलूंगा और आपने उसको दोहराना है, ठीक है बच्चों? जी होता चिड़िया बन जाऊं, जी होता चिड़िया बन जाऊं, मैं नभ में उड़कर सुख पाऊं, मैं नभ में उड़कर सुख पाऊं, मैं फुदक फुदक कर डाली पर, मैं फुदक फुदक कर डाली पर, दोलू तरु की हरियाली पर, दोलू तरु की हरियाली पर, फिर कुतर कर फल खाऊं, कुतर कुतर कर फल खाऊं, जी होता मैं चिड़िया बन जाऊं, जी होता मैं चिड़िया बन जाऊं। कितना अच्छा किसका जीवन, कितना अच्छा किसका जीवन, कितना अच्छा इनका जीवन, कितना अच्छा इनका जीवन, आजाद सदा इनका तन मन, आजाद सदा इनका तन मन, आजाद सदा इनका तन मन, आजाद सदा इनका तन मन। मैं भी इतना गाना गाऊं, मैं भी इतना गाना गाऊं, जी होता मैं चिड़िया बन जाऊं, 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 जंगल में उड़ उड़ चिरचुरूं, जंगल में उड़ चिरचुरूं, पर्वत घाटी में सैर करूं, पर्वत घाटी में सैर करूं, जब को देखूं इठलाऊं, जब को देखूं इठलाऊं, जी होता मैं चिड़िया बन जाऊं, जी होता मैं चिड़िया बन जाऊं, कितना स्वतंत्र इनका जीवन, कितना स्वतंत्र इनका जीवन, इनको न कहीं कोई बंधन, इनको न कहीं कोई बंधन, मैं भी इनका जीवन पाऊं, मैं भी इनका जीवन पाऊं, जी होता मैं चिड़िया बन जाऊं, जी होता मैं चिड़िया बन जाऊं। तो बच्चों, ये आपको कविता कैसी लगी? अच्छी। तो ये बताओ, आप लोगों ने चिड़िया देखी है? सर। चिड़िया के बारे में आप लोग क्या क्या जानते हैं? आपने कौन कौन सी चिड़ियाएं देखी हैं? और कौन कौन सी चिड़ियाँ होती है सब बताओ ना। हाँ, ऐसे बताओ बताओ। एक एक करके पूछेंगे, आप बताओ कोई भी एक। और कोई चिड़िया? ठीक है। और उड़ता जाओ, मोर देखा है? संधाया। और कुछ? चील, पान, बहुत कुछ। ठीक है। और दिखाना, बोलो बोलो, चील के बारे में और क्या जानते हो आप? फिर मैं भी आपको कुछ बताऊंगा। आप बताओ, चील, चील को आपने कभी देखा हो? देखा है कभी? कभी नहीं देखा चील को? अच्छा, चील को आप लोगों ने देखा है? अच्छा। और चिड़िया आपने और क्या क्या जानते हो? चिड़िया और किस किस रंग की होती हैं? कौन कौन से रंगों में देखी हैं चिड़िया? ग्रीन, ब्लैक, ब्लैक। अच्छा, और कोई रंग? ब्लू। और कोई रंग? चलो, ग्रीन। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा चिड़िया पर आधारित, ठीक है? चिड़िया पर आधारित मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। आप लोगों ने, आप लोग ये देख रहे होंगे कवर पे, अच्छा मौसी अलविदा। ये एक कहानी है, अच्छा मौसी अलविदा। तो बच्चों, इस कहानी को मैं आपको सुनाऊंगा। आपको इस कवर को देख के क्या लग रहा है, कहानी किस प्रकार की होगी, कैसी होगी? और आप देखो, क्या अंदाजा लगा रहे हैं आप? बताओ बताओ बताओ, आपको क्या लग रहा है, क्या हो गया इस कहानी में? बताओ कुछ अंदाजा। अच्छा मौसी अलविदा वाली ये कहानी है, पर इसमें यहाँ कुछ दिख रहा है, ये कुछ दिख रहा है, ये कुछ दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, तो इसके हिसाब से बताओ क्या पता होगा आपको, क्या लग रहा है? देखो देखो देखो, हाँ बताओ बताओ बताओ, जोर से बताओ ना, बताओ जी। हाँ बोलो बोलो, हाँ हाँ बताओ, जो भी आपको समझ में आ रहा है
इस कमर को देख के, ये क्या है बताओ? चिड़िया। ये क्या है? भैंस। ये बिल्ली। सच में बिल्ली है? सिर्फ ये भैंस। गाय भी हो सकती है, भैंस भी हो सकती है, कुछ अंदाजा सही से नहीं आ रहा ना। तो अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है तो बताओ, कुछ अंदाजा लगा सकते हो कि क्या हो रहा होगा इसमें? चिड़िया भी है, भैंस या गाय भी है, और ये भी कुछ है, बिल्ली है, जो भी है, कोई अंदाजा लगा सकते हो आप? चलो अब ये कहानी हमें आपको सुनाना, ठीक है? तो आज मैं आपको अच्छा मौसी अलविदा वाली ये कहानी सुनाऊंगा, जिसको प्रभात जी ने लिखा है और इसके चित्र सुनीता जी ने दिए हैं। एक चिड़िया थी, आसमान में उड़ते हुए उसे एक भैंस दिखाई दी। उसने भैंस से पूछा, मैं बहुत थक गई, क्या मैं तुम्हारी पीठ पर बैठ जाऊं? भैंस ने चिड़िया से कहा, मेरी पीठ पर बैठ तो जाओ, लेकिन बीट मत कर देना। भैंस की पीठ के ऊपर बैठते ही चिड़िया ने भैंस की पीठ पर बीट कर दी। भैंस को गुस्सा आ गया। भैंस ने अपनी पूंछ उठाई और चिड़िया को नीचे पटक दिया और चिड़िया के ऊपर गोबर कर दिया। तो बच्चों, आपको क्या लगता है, अब चिड़िया कैसे निकलेगी गोबर से बाहर? क्या चिड़िया निकल पाएगी गोबर से बाहर? नहीं निकल पाएगी। क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है? अच्छा, और जैसे चिड़िया गोबर में फंस गई है, तो आपको क्या लगता है यहाँ पर कोई और जानवर भी अब आएगा? ऐसा क्यों लगता है आपको कोई और जानवर आ जाएगा? अच्छा, और कोई जानवर आया तो क्या इसकी जान बच जाएगी? अच्छा, आपको क्यों लगता है क्यों नहीं बच पाएगी? अच्छा, चलो आगे पढ़ते हैं और जानते हैं कि आगे कहानी में क्या है। चिड़िया की चीख चिल्लाहट सुनकर भैंस डर गई और भैंस वहां से चले गई। उतने में वहां एक और जानवर आया। ये जानवर आया, ये कौन सा जानवर है? बिल्ली। भैंस के जाते ही वहां पर बिल्ली आ गई। बिल्ली चिड़िया की क्या होती है? जान की मौसी, दुश्मन। इसलिए उतने में भैंस के जाते ही यहाँ पर बिल्ली आ गई। बिल्ली चिड़िया की जान की दुश्मन होती है, तो चिड़िया बहुत घबरा गई। उसने सोचा, अब मैं क्या करूँ? वह बिल्ली से बोली, आप तो मेरी मौसी हो, आप तो मेरी मौसी हो। मौसी कौन होती है बच्चों? मम्मी की बहन। तो चिड़िया ने बिल्ली को खुश करने के लिए क्या कहा कि आप तो मेरी मौसी हो, मेरी मम्मी की बहन। बिल्ली बोली, मौसी तो मैं तेरी हूँ, लेकिन मुझे भूख भी तो लगी है। बिल्ली चिड़िया से कहती है, मैं तेरी मौसी तो हूँ, लेकिन मुझे भूख भी तो लगी है। चिड़िया घबरा गई और बोली, तो क्या हुआ, आप मुझे गोबर से निकालो, फिर हम दोनों मिलकर खाना ढूंढने चलेंगे। चिड़िया बिल्ली से क्या कहती है कि आप मुझे पहले गोबर से बाहर निकालो, उसके बाद हम दोनों मिलकर खाना ढूंढने चलेंगे। बिल्ली चिड़िया से बोलती है, अब मुझे खाना ढूंढने की क्या जरूरत, अब तुम मेरे खाने के लिए हो तो सही। आगे बढ़ते हैं। आपको क्या लगता है बच्चों कि बिल्ली चिड़िया को खा जाएगी? सुनो, ऐसा क्यों लगता है आपको? सर, उसको बचा देगी और उससे कहेगी खाने ढूंढने हम चलते हैं, और वो चले जाएगी और बिल्ली ऐसी रह जाएगी। अच्छा, और आपको क्या लगता है
और लोगों को क्या लगता है बताओ? मार देंगे इसको। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है आपको? अच्छा, और कोई आप लोगों को क्या लगता है कि बिल्ली चिड़िया को खा जाएगी? अच्छा, तो आगे हम जानते हैं कहानी को पढ़ के कि आखिर बिल्ली चिड़िया को खाती है या क्या करती है। चिड़िया बहुत घबरा गई, लेकिन वो बिल्ली से बोली, अभी तो मैं गोबर में फंसी हुई हूँ। चिड़िया बिल्ली से बोली, अभी तो मैं गोबर में फंसी हुई हूँ, अगर मुझे आप खाना चाहती हो पहले मुझे गोबर से बाहर निकालो, फिर मुझे पटक पटक कर तालाब में धो, फिर मुझे धूप में सूखने के लिए बाहर रख दो, और जब मैं सूख जाऊँ फिर मुझे बड़े मज़े से खाओ। बिल्ली को चिड़िया का ये सुझाव बहुत पसंद आया। बिल्ली ने ऐसा ही किया, उसने चिड़िया को गोबर से बाहर निकाला और फिर उसे तालाब में पटक पटक कर धोया और उसके बाद धूप में सुखाने के लिए रख दिया। चिड़िया धूप में सूख रही है, ये देखिए चिड़िया धूप में सूख रही है और बिल्ली उसको देख रही थी कि अब ये जब सूख जाएगी तो उसके बाद मैं इसे बड़े मज़े से खाऊंगी। लेकिन जैसे ही चिड़िया सूख गई तो आसमान में उड़ गई और बिल्ली से बोली, अच्छा मौसी अलविदा, अच्छा मौसी अलविदा, और वो आसमान में उड़ गई। तो बच्चों, ये आपको कहानी कैसी लगी? एक चीज ये कि आपने इस टाइप की और कोई भी कहानी सुनी है? हाँ सुनी है। कौन सी सुनी है सर? हमने सुनी थी एक बार एक ठंडी पड़ रखी थी एक जगह पे और चिड़िया मरने वाली थी, तभी गाय ने उसके ऊपर गोबर कर दिया और तभी वो खुश होकर चिल्लाने लग गई, गाने लग गई, और तभी वहाँ पे बिल्ली आई और बिल्ली ने उसे मार भी खा लिया। अच्छा, और किसी ने सुनी है इस टाइप की कहानी? अच्छा। सर, ठंडियों का मौसम होता है, तीन दोस्त है, सर प्याज टमाटर और कुल्फी, तो सर वो तीनों घूम रहे होते हैं, ठंडियों का मौसम होता है, कुल्फी पिघल जाती है, तो फिर सर फिर वो दोनों प्याज और टमाटर जाते हैं आगे। अच्छा। तो सर बच्चे खेल रहे होते हैं तो टमाटर को लग जाती है, तो टमाटर भी मर जाता है, तो प्याज कहता है कि मेरे दोनों दोस्तों को मार दिया और मेरे को भी बचाया। तो फिर वहाँ पर ऐसे भगवान आते हैं, भगवान कहते हैं अब तो जो जब मरेगा तो हर इंसान रोएगा, अगर जब भी तुझे कोई मारेगा तो हर इंसान रोएगा। अच्छा, वेरी गुड। और किसी ने इस प्रकार की कोई और कहानी सुनी हो? सुनिए, और किसी ने सुनी है? तो कुछ प्रश्न है बच्चों आपसे कि कहानी सुनते वक्त आपको कैसा लगा कि ये कहानी किस कैसी होगी, या कुछ आपको ऐसा लगा हो कि कहानी ऐसी होगी और लेकिन ऐसी नहीं निकली, जैसे कुछ बताना चाहो आप? सर चिड़िया, मेरे को लगा था कि चिड़िया जो पहले आएगी और भैंस के ऊपर बैठ के उसके सारे कीड़े मकोड़े खा जाएगी और चले जाएगी। और एक प्रश्न और था बच्चों कि आपको क्या लगता है कि बिल्ली की जगह पर अगर और कौन कौन से जानवर आ सकते थे चिड़िया के पास, और जब वो जानवर आते तो तब क्या होता? जैसे आप लोग बताओ, कोई और जानवर आ जाता? कुत्ता, कुत्ता आ जाता तो तब क्या होता? कुत्ता मारता, कुत्ता मारता, एक एक कभी एक एक सर कुत्ता या तो उसे मार देता, वहाँ नहीं देखना, या तो उसे बचा देता। और कुछ सर? अगर चिड़िया के साथी आते तो उसे बचा लेते। एक मिनट, दोबारा सर, अगर चिड़िया के साथी आते तो उसे बचा लेते, मार देते। अच्छा, और कोई और कौन कौन से जानवर आ सकते थे और तब क्या होता?
सर अगर लोमड़ी आती तो लोमड़ी उसे खा जाती। अच्छा और कोई पूछो। सर अगर हाथी आता तो हाथी उसके ऊपर गोबर गिरती चलने वाली। हाँ और भी और कुछ इस टाइप की और कुछ जवाब आपको बताऊंगा आप बताओ कुछ। अब एक एक क्वेश्चन और कि आपको इस कहानी में क्या कोई चालाक लगा और अगर चालाक लगा तो कौन लगा कैसे लगा आपको क्यों लगा ऐसा। एक एक करके एक एक कर गया पहले यहाँ से स्टार्ट। सर चिड़िया ने कहा करके मुझे पहले वो गोबर से निकालो और पानी में भिगो फिर मुझे सुखाने के लिए रखो। और कोई सर चिड़िया चलाना चालाक थी क्योंकि उसने उससे कहा कि पहले तुम सर मेरा कर दो फिर उसने उसको वो भाग दी चिड़िया। अच्छा चिड़िया से लाग मिली उसने बिल्ली से कहा कि हम दोनों खाना ढूंढने जाएंगे उसके बाद उसने कहा कि बिल्ली ने कहा तो हम मेरे को कैसे बताएंगे अब तो तुम तो हो तो उसने बोला कि मुझे पानी में पटक पटक के धो और उसके बाद सिपाही लाग चिड़िया से लाग वो हो गई। और एक क्वेश्चन और बच्चों आपको क्या लगता है कि भैंस ने चिड़िया के ऊपर जो गोबर किया वो सही किया। एक एक करके जवाब देंगे। हाँ एक एक करके जवाब देंगे। पहले आप बताओ। अच्छा ऐसा क्यों लगा आपको सही सर, क्योंकि अगर कोई हमारे साथ गलत करता है तो हमें भी उसके साथ गलत ही करना चाहिए उसे बताना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत। और आप बताओ। सही है। अच्छा सही किया। और क्यों किया सही आपको क्यों लगा कि सही किया। सर क्योंकि चिड़िया ने भी उसके ऊपर बीत कर दी। ठीक हो गया। और भी गौरव सर एक तो गाय ने उसकी हेल्प करी और ऊपर से उसने उसी के ऊपर बीट कर दिया तो इसलिए आपको क्या लगता है कि सही किया या गलत किया। सर तो गाय ने सही किया। गाय थी नहीं भैंस थी। हाँ भैंस ही सही किया। और एक बैठे मैडम अब बोल रहा सर सही किया क्योंकि सर चिड़िया ने भी भैंस के ऊपर बीट कर दी थी इसलिए भैंस ने भी उसके ऊपर बीट कर दी। ठीक। और एक क्वेश्चन और अगर आप चिड़िया की जगह पर होते तो क्या करते। चिल्ला चिल्ला कर तो वो भी बुला रही थी आपने देखा होगा कि वो भी चिल्ला रही थी। और बताओ फोन बुला के आप बताओ आप चिड़िया की जगह पर होते तो क्या करते। बुला तो वो भी रही थी ना तो वो भी रहते लेकिन आपको क्योंकि चिड़िया तो चिड़िया हैं चलो बोल नहीं पाती है लेकिन चिल्ला रही थी। पहले इनका नाम क्या है आप बताओ। चलो अब आप बताओ। सर हम गाय के ऊपर बैठते पर उसके ऊपर बीट नहीं करते और चले जाते। अच्छा और अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो जाता कि गोबर कर दिया होता तो क्या होता तो तब क्या करते क्या आप करते कि गोबर से जल्दी बाहर निकल जाते। हम सर पहले ज़्यादा से ज़्यादा पर फैलाने की पूरी कोशिश करते हैं जिससे गोबर छिटक जाए दूर और हम उड़ सके। और सर अगर तब भी निकला तो सर हम अगर साइड करने के लिए किसी को बुलाते और कोई हमें मारने आता तो सर हम उससे ऐसी चल्लाकी करते जैसे चिड़िया ने। गौरव आप बताओ। सर चिड़िया अगर आती तो उसके ऊपर बैठ के आराम से सो सकती थी। नहीं अगर आप चिड़िया की जगह पर होते तो क्या करते। सर आते और उसके ऊपर सो सकते थे आराम इसके ऊपर। अच्छा नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि अगर गोबर कर दिया होता तो आप उससे बाहर कैसे निकलते आप क्या करते बताओ।
नहीं नहीं ऐसा नहीं बेटा, कैसे बाहर निकलते अगर चिड़िया की जगह पर आप होते? चलो आप बताओ, ऐसा नहीं बच्चों एक्टिविटी करनी है बच्चों। जैसे इस कहानी में क्या हुआ अंत में कि चिड़िया उड़ गई दोबारा से आसमान में और वो गोबर से बाहर निकल गई, तो आपने कहानी यही रहेगी लेकिन उसका अंत बदल रहा है। अंत मतलब लास्ट में जैसे हाँ अच्छा मौसी अलविदा की जो ये कहानी है इसमें आपने कहानी का अंत बदलना है। अंत बदलने का मतलब समझ गए आप लोग? अंत बदलने का मतलब सभी समझते हैं कि आपने जो लास्ट में जो चीज हो रही है वैसा ना होकर कुछ और बना देना, ठीक है? आपने भी ये कहानी लिखनी है अपनी भाषा में और लेकिन इसका अंत बदल देना है, ठीक है? तो मैं आपको एक कागज दूंगा तो आपने वो लिखनी है कहानी और फिर मुझे दिखानी है, ठीक है?